हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज अ ज़ेन सर्वर। ओके, हाउ टू क्रिएट अ ज़ेन सर्वर मशीन। फिर उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा कि किस तरह से हम ज़ेन सर्वर मशीन को क्रिएट करने वाले एंड हाउ टू डिप्लॉय ऑन अ वेब सर्वर इन द सेंस ज़ेन सर्वर सेंटर। ये तो दोनों भी प्रैक्टिकल हम डिफरेंटली यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज एन ज़ेन सेंटर, किस तरह से हम ज़ेन सेंटर को यूज करते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बेस के ऊपर हमने परफॉर्म किया है क्या होता है, देन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ज़ेन सेंटर किस तरह से इंस्टॉलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल जो स्टेप्स थे आप सभी को पता है, हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। कि इफ आपको याद नहीं हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो जैसे कि आई बटन के ऊपर आपको वीडियो दिखाई देगी कि जिसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट एंड वर्चुअल मशीन एंड उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो जो वर्चुअल मशीन होगी उसके अंदर सिर्फ जो ISO फाइल होगी चेंज होगी, देन नेक्स्ट वाला जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म होने वाला है। तो जाते हैं, तो फर्स्ट गो टू फाइल्स। ओके, फाइल्स के अंदर न्यू वर्चुअल मशीन, कंट्रोल एन भी शॉर्टकट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू वर्चुअल मशीन, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है लास्ट में। सो यहाँ पे हम कहेंगे ISO फाइल, यहाँ पे ISO फाइल हम ब्राउज करते हैं ज़ेन सर्वर के लिए। ओके, ज़ेन सर्वर के लिए जैसे कि जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो यहाँ पे जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो मेरे फोल्डर है जहाँ पे मैंने ISO फाइल स्टोर करी, तो ज़ेन सर्वर 6.20 के ए वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी साइज है 563 MB। इन देंस हाफ GB तक इसकी साइज आप कंसिडर कर सकते हो। ओपन, तो यहाँ पे ISO फाइल हमने सिलेक्ट कर दी। नेक्स्ट के VM EXI, नेक्स्ट के यहाँ पे हम नेम देंगे ज़ेन सर्वर। ज़ेन सर्वर हमने यहाँ पे दे दिया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, ज़ेन सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो वर्चुअल मशीन ने लास्ट टाइम फॉर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आपको किया था वही नेम है, तो इसके लिए दिखाया था। सो देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको देना है साइज रैंडमली, आप यहाँ पे अबाव 50 GB दे सकते हो। ओके, 50 के अबाव, क्योंकि वो फिर से डिवाइड होगा एंड ज़ेन सर्वर को भी यूटिलाइज करने को लगने वाला है। सो यहाँ पे देख जैसे कि ट्राई करो कि अबाव 50 आप इसको किस तरह से दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने 16 GB दे दिया, देता नेक्स्ट। देन यहाँ पे मेमोरी असाइन करना है, सो ऑलमोस्ट इन बिटवीन 2 to 3। ओके, क्योंकि 2 and 3 के 2 to 4 के बीच में दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम 3 GB असाइन कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन प्रोसेसर, प्रोसेसर 2 प्रोसेसर होगा, कोर प्रोसेसर होगा तो वेल एंड गुड, पासवर्क होगा एंड जो वर्चुअलाइजेशन इंजन यहाँ पे इंटेल और AMD के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देन क्लिक ऑन फिनिश। आफ्टर फिनिश आपको यहाँ पे कहना है, यहाँ से एक्चुअल आपका जो प्रैक्टिकली ज़ेन सर्वर का वो स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। ओके, वर्चुअल मशीन पावर ऑन होने के बाद आपका माउस यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पे आपको जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं यूजिंग एन कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड हमारे पास है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपको, तो इसको अच्छे समझने के लिए इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ओके, अभी माउस तो वर्क नहीं करेगा, मूव नहीं होगा। सो कीबोर्ड से जो भी टास्क आपको परफॉर्म करने हैं सभी के सभी कीबोर्ड से ही करेंगे। सो फर्स्ट जो कीबोर्ड हमें यूज करना है, तो US UK जो भी आपको प्रेफरेबल होगा कि आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको भी, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। सो हम यहाँ पे US करते हैं क्योंकि US इंग्लिश हम यूज करते हैं फॉर सिस्टम। देन क्लिक ऑन ओके, एक्सेप्ट एग्रीमेंट द लाइसेंस टर्म्स कंडीशन ऑफ अ सेंट्रिक ज़ेन सर्वर्स एक्सेप्ट, कि आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिगार्डिंगली हमें एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप फोर्ड कीज या टैब बटन स्पेस बटन यूज करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन SDA 16 GB,
जो वर्चुअल सर्वर है उसके रिगार्डिंग ओके। देन सिलेक्ट इंस्टॉलेशन सोर्स कि आप इस सोर्स जो भी फाइल्स इंस्टॉलेशन करने वाले या सर्वर इंस्टॉल करने वाले वो कहाँ से करने वाले है। ओके, यूजिंग एन लोकल मीडिया कि इसके लिए आप कोई नेटवर्क या NFS फाइल यूज नहीं करने वाले, कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज नहीं करने वाले, HTTP भी नहीं यूज करने वाले और नेटवर्क फाइल सिस्टम भी यूज नहीं करने वाले। हम जो हमारा लोकल मीडिया है उसके अकॉर्डिंगली इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने वाले है। क्लिक ऑन ओके। देन क्या हमारा स्मॉल प्रैक्टिकल्स है, तो उसके रिगार्डिंगली जो इंस्टॉलेशन पैकेज है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नो, सप्लीमेंट पैकेज नो। देन वेरिफिकेशन बेसिकली नो, क्योंकि स्मॉल प्रैक्टिकल तो विदाउट वेरिफिकेशन भी हम ये परफॉर्म कर सकते, तो स्किप द वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्लिक ऑन इंटर। देन पासवर्ड ओके, यहाँ पे जो पासवर्ड दोगे सेम आपको Zen सर्वर लॉगिन करने के पर्पज के लिए यूज होने वाले, सिंपल हम यहाँ पे पासवर्ड असाइन करेंगे, दैट इज रूट आर डबल ओ टी रूट एट द रेट 123 ओके। सेम पासवर्ड देंगे रूट कंफर्म करने के लिए रूट एट द रेट 123 ओके, सेम पासवर्ड फॉर बोथ। देन नेक्स्ट इंटर ओके ओके। देन यहाँ पे नेटवर्किंग रिगार्डिंगली ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या मैनुअल आपको चाहिए, तो फॉर मैनुअल द स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेस सबनेट मास्क गेटवे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक चाहिए, सो ऑटोमेटिक या जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगे वही हम यहाँ पे फॉलो करने वाले है। ओके सो क्लिक ऑन ओके। देन नेक्स्ट टाइम जोन कि जो आपका टाइम जोन होगा, तो यहाँ पे हम मुंबई में है कि इंडिया में, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे एशिया ओके। एंड यहाँ पे एक टाइम जोन होगा कलकत्ता ओके, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क होता है। देन सिस्टम फॉर यूजिंग एन NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, देन नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कॉन्फिगर जो बाय डिफॉल्ट होगा वही कॉन्फिगर होगा यहाँ पे। लास्ट इंस्टॉल अ Zen सर्वर, क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन, सो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम ओके। इफ आपका सिस्टम फास्ट है तो जल्दी से इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, इफ आपका सिस्टम स्लो है तो इस टेक्स सम टाइम टू इंस्टॉल ओके। ऑलमोस्ट 55% के ऊपर ही आके रुक जाता है ओके, 77 कंप्लीट ओके। ये सिस्टम फास्ट है इसके डिले हो गया, जैसे कि आपका कोई ओल्ड वाला सिस्टम होगा आपका प्रोसेसर स्लो हो सकता है, रैम कम है आपके, इन केस में वो क्या करेगा 10 मिनट्स तक ही लेंदी प्रोसेस तक 10 मिनट्स तक ही टाइम कंज्यूम कर सकता है, अदरवाइज 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा। Its peak time is complete now, 87% 90% okay, ये fast हो रहा है तो भी बाकी के सिस्टम के accordingly 97 9900 okay, completion of installing a Zen server okay, 33 38 95 okay, okay एक बार एक कंप्लीट हो गया। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड
The Zen Server installation is complete. Please remove all local media from drive. In the same local media, in the same pen drive, DVD, etc. And again, restart your system. Okay, so press enter for an restart. Okay, after restart, they give IP address that is important for us. इसके बाद जो IP address found होगा, in the sense आपका practical successfully install हो गया, हम consider करने वाले हैं। वो IP address यहाँ पे आपको find out होना चाहिए, तभी आप next step in the sense Zen servers perform कर सकते हो। If आपके पास IP address नहीं है, आपको IP address नहीं मिला, तो आप Zen server का complete practical in the sense Zen center perform नहीं कर सकते। Zen Center के लिए आपको यहाँ पे IP address आना compulsory procedure है। कि यहाँ पे steps तो हमने सभी कर लिए, अभी यहाँ पे next आएगा आपका Zen Center। इन दिन जो IP address आएगा, उसको use करके हम Zen Center में login करेंगे। ठीक है, वो भी हम main step इसके अंदर cover कर लेंगे। Zen Center के login या verify किस तरह से करेंगे, if आपका जो भी IP address है, वो successfully right है या wrong है। वो भी मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा कि उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, बट एक कंडीशन इसके लिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ओके, इफ आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, आपके सिस्टम के अंदर फायरवॉल एंटीवायरस प्रेजेंट है जो ब्लॉक कर रहे हैं आपके सर्विसेस को, सो उस सिनेरियो में आपके प्रैक्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल गया 192.168.120.132। ओके, सो यहाँ पे हम जाते चेक करते, सो जैसे कि किस तरह से करेंगे आपको बता देते। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्राउजर के आपके सिस्टम के अंदर जो भी ब्राउजर होगा जिससे आप फैमिलियर हो गए, सो वो यूज करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे जाते हैं, तो ब्राउजर हमारे पास है। ओके, एक सेकेंड। ओके, हमारे पास सिंपल जो ब्राउजर है वो ये ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, या आपको यूज कर सकते हो फायरफॉक्स यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास ब्राउजर है। सो वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो रहा है। बैकग्राउंड में वर्चुअल मशीन होने की वजह से पूरा सिस्टम स्लो चालू है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से वर्क हो रहा है कि नहीं। 192.168.120.132 ओके, जो आपका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है Zen सर्वर के लिए, तो क्लिक ऑन इंटर। सो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, तो इसके वजह से तुरंत क्विकली आप आपका हो गया Zen CD इमेज एंड Zen सेंटर इंस्टॉल। ओके, तो इसको यूज करके ही आपको Zen सेंटर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, एंड Zen सेंटर इमेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो दो चीज मिल गई, डाउनलोड भी हो गया, पेज भी हो गया। जैसे इसका नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर या आपका जो कनेक्शन है सक्सेसफुली है। और एक चीज जैसे कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो या जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका कनेक्शन एक्टिव है क्या नहीं, तो जैसे लाइक क्लॉक, ठीक, जैसे जो कॉन्फ़िगरेशन कीवर्ड सेंटर में दिया गया है उस कॉन्फ़िगरेशन सेंटर के ऊपर आपको क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। इस पी क्लॉक एक्टिव होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम ऑन है। जैसे कि जो आपका सिस्टम का टाइम है 10:53, सो यहाँ पे भी सेम टाइम आपको यहाँ पे दिखा देगा 10:53। ये थोड़ा सा डिले हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये सिस्टम सर्वर दूसरी कहा जगह से रिप्लिकेट होके आ रहा है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट टाइमिंग एक्टिव होना चाहिए। ओके, सो एक दो सेकेंड से एक दो मिनट का डिफर हम कंसिडर कर सकते हैं, बट आवर्स का डिफरेंस होगा, तो आपको आपका टाइम जोन चेक करके चेंज करना पड़ेगा। इफ आपको Zen सेंटर के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या एरर होगा, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।